इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में समय का बहुत कमी है और लोग चाहते हैं कि सभी कुछ घर बैठे और जितना हो सके कम से कम समय में उसको मैनेज करें। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी छात्र के माता पिता देख रहे हैं, तो उन सबको अपने बच्चों या स्टूडेंट को अपने फ़ोन में ये 5 ऐप्स ज़रूर होने चाहिए जो मेरे हिसाब से लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जिसमें आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं आप वहाँ पर सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपका पैसा होता है आप उसे एक सुरक्षा के लिए बैंक में डाल देते हैं और बैंक में सेफ रहता है, उसी प्रकार डिजी लॉकर है। आप यहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, ये सबको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप उसी ऐप के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये हर जगह वैलिड है और यहाँ वहाँ ले जाने लाने का झंझट ख़त्म। और कभी भी ऐप खोलिए और आसानी से उसे मैनेज कीजिए, तो मुझे लगता है कि हर किसी के पास होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट का सपना होता है कि कम पैसे में सरकारी जॉब पाएँ, तो उनके लिए सबसे अच्छा जो एक ऐप है वो टेस्ट बुक है। टेस्ट बुक अगर अभी देखें तो सबसे सस्ता भारत में सरकारी जॉब के लिए ऐप है। इसमें आप कॉन्स्टेबल से लेके यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी का टेस्ट इस पे अवेलेबल होते हैं और इस पे क्विज भी हर दिन दिया जाता है। उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में वो हर किसी को एक्सेस कर सकते हैं आप। और ये 12 लैंग्वेज में सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे जो भी आपका लैंग्वेज कंफर्टेबल होता है आप उसमें अपना चूज करके टेस्ट दे सकते हैं। और एक तरह से कहें तो ये गरीबों का मसीहा कहा जाता है इस ऐप को। और इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट रहता है। ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जेन्युइनली मैं इस चीज़ को देखा हूँ वही बता रहा हूँ। तो अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और लगता है कि आपको टेस्ट कहाँ पर देना चाहिए और पैसे के अभाव है, तो एक बार आप टेस्ट बुक जरूर देखें। थर्ड ऐप की अगर बात करें तो यह है उमंग ऐप। इस ऐप में राज्य और केंद्र सरकार के लगभग 800 सर्विस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इस ऐप पे जाओगे तो बहुत सारे सर्विसेज जो आप नहीं भी जानते वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जाने का एक तरह से झंझट खत्म हो जाता है। आने जाने आप सारा कुछ जो वहाँ पे जाके करवा सकते हैं वो मिनटों में आप नंबर से लॉग इन करके आप एक्सेस कर सकते हैं। और इस पे बहुत सारे योजना भी भारत सरकार के जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार इस ऐप को आप जरूर देखिए और मुझे लगता है कि हर किसी के पास उमंग ऐप होना चाहिए। अगर फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये भी हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए, अनअकैडमी। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि ये पेड है, लेकिन इसमें आपको पेड वाला सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है। इसमें फ्री कंटेंट इतना दिया हुआ है कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट चाहे तो वो पूरा ज़िंदगी में भी पढ़ नहीं सकता है, इतना सारे इसमें फ्री कंटेंट दिए हुए हैं। तो आप इस ऐप को ज़रूर उपयोग करें। और अगर आप गरीब अभ्यर्थी हैं, आपको लगता है कि आप उस लायक नहीं हैं कि आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो आपको फ्री कंटेंट देखना चाहिए। और जो एक नॉर्मल अभ्यर्थी के लिए काफ़ी है, आप इससे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो एक बार अनअकैडमी ऐप को भी ज़रूर देखना चाहिए और मुझे लगता है कि इससे हेल्प होगा, क्योंकि इसमें लगता है कि इंडिया के लगभग 90% टीचर यहाँ पे मिल जाते हैं और आपको टेट से लेके कोचिंग क्लास सब इसी ऐप पे अवेलेबल है। तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगा कि अनअकैडमी को भी आप ज़रूर देखें। अगर फाइव्थ एंड लास्ट ऐप की बात करें तो वो है ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको अपनी जो लोकल लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज सीखने का मन होता है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, किसी को इंग्लिश सीखने का मन है, तो इस ऐप पे आप आसानी से सीख सकते हैं। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है कि इसमें आप पार्ट बाई पार्ट आप बढ़ते जाते हैं। स्टार्टिंग एक जीरो से लेके मतलब अंतिम तक लेके जाता है और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें लगभग 25 देश का भाषा आप सीख सकते हैं। और इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिल्कुल गेम की तरह कस्टमाइज किया हुआ है, जिसमें आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ और गेम गेम में ही आप दूसरे लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार ज़रूर आपको ड्यूलिंगो ऐप को मोबाइल में रखना चाहिए, ताकि आप अगर किसी दूसरी भाषा को सीखने का शौक़ रखता है या लगता है कि मुझे ज़रूरत है तो आप इस ऐप को प्रेफर कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आनंद शर्मा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो शेयर एंड सपोर्ट ऑल्सो।
तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।